हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आप सभी के कोर्स नंबर 504 पाठ्यक्रम 504 के असाइनमेंट नंबर 3 के प्रश्न नंबर 1 के उत्तर को देखेंगे। जिस प्रश्न के आंसर को हम देखने वाले हैं वो आप सभी के स्क्रीन पे है। प्रश्न है, गणित सिखाने में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। गणित शिक्षक होने के नाते गणित सीखने और सिखाने में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपकी किस प्रकार सहायता करता है, ये हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए आपको आपके असाइनमेंट में 10 नंबर दिए जाएंगे और इस प्रश्न को आपको 750 शब्दों में लिखना है। ये वीडियो हिंदी में है, इसकी इंग्लिश वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी आपके चैनल तेज ट्यूब पे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर देंगे, लाइक की बटन आपको ठीक नीचे मिलेगी। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करना होगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है ताकि आपको आगे के वीडियोज़ मिल सके, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। यहाँ पर आपको इस प्रश्न का आंसर मिलेगा, सतत एवं व्यापक आकलन के उद्देश्य दो भागों पर बल देते हैं। ये भाग हैं आकलन में सततता और अधिगम के सभी पहलुओं का आकलन। इस प्रकार सतत शब्द का अर्थ एक बार घटित होने के बजाय नियमित अंतराल पर होने वाले आकलन है। जब आकलन अभ्यास छोटे छोटे अंतराल में नियमित रूप से किए जाते हैं तो वह आकलन सतत बन जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि यदि दो लगातार आकलनों के बीच समय अंतराल कम या निम्नतम कर दिया जाए तो आकलन सतत बन जाता है। आकलन प्रक्रिया को सतत बनाने के लिए आकलन क्रियाकलाप पूरे सत्र में करनी चाहिए। इसका अर्थ है आकलन में नियमितता, बारंबार इकाई परीक्षण, विद्यार्थी की अधिगम कठिनाई की पहचान करना, सुधारात्मक कार्यवाही करना, विद्यार्थी को उनकी प्रगति में अवगत कराना, ये कार्य अधिक से अधिक बार होने चाहिए। दूसरे शब्द व्यापक का अर्थ है विद्यार्थी के शैक्षणिक और पाठ्य सहगामी पक्षों के विकास का आकलन, क्योंकि विद्यार्थी की सभी योग्यताओं के विकास का लिखित और मौखिक क्रियाओं से आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए विद्यार्थी के विकास के सभी पहलुओं का आकलन करने के लिए विभिन्न उपकरणों एवं विधियां अपनाने की आवश्यकता है। गणित में आकलन गणित शिक्षण के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। विद्यालय के आरंभिक वर्षों में विद्यालयी गणित का उद्देश्य उपयोगी क्षमताओं तथा गणितीय सोच व तर्क शक्ति को विकसित करना है। उपयोगी क्षमताओं में अवधारणात्मक और समय स्थानिक समझ, समस्या समाधान और गणितीय प्रतिरूप समाहित है। गणित अधिगम के दौरान बच्चे आत्मविश्वास, सृजनात्मक तथा संवाद क्षमता को अभिव्यक्त करते हैं तथा अवधारणा एवं चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है अलग अलग गणित क्षमताओं के बारे में, तो आप इसे अपने आंसर में लिख सकते हैं। बच्चे के गणितीय अधिगम के विभिन्न आयामों के आकलन की व्यापक विधियां या उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध है। परंपरागत कागज कलम परीक्षण एवं मौखिक परीक्षणों के अतिरिक्त एक अध्यापक दूसरे माध्यमों जैसे प्रेषण, दत्त कार्य, परियोजना कार्य, पोर्टफोलियो, सूचनावली, रेटिंग स्केल तथा अनुभव रिकॉर्ड आदि का प्रयोग कर सकता है। विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन को व्यापक एवं उद्देश्यात्मक तरीके से समझने में शिक्षक को समर्थ बनाते हैं। गणित कक्षा में विद्यार्थी विशेष द्वारा पूछे गए प्रश्नों के परीक्षण का प्रतिदिन रिकॉर्ड होना चाहिए। अधिक प्रश्न अधिक अधिगम क्षमता को प्रदर्शित करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में शिक्षक द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं। पहला, ये दिखाने कि बच्चों ने क्या वो सीखा है जो उन्हें सीखना चाहिए। दूसरा, उनकी सतत उपलब्धि क्या है। शिक्षक द्वारा बच्चों का मूल्यांकन दो स्थितियों में किया जाना है, पहला बच्चे का व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र में और दूसरा सामूहिक कार्य क्षेत्र में। शिक्षक देखें कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, यानी बच्चों के सीखने के तरीके क्या हैं, उनमें क्या किसी बदलाव की गुंजाइश है। शिक्षक इन बातों को अपनी डायरी में अपने अनुसार लिख लें ताकि बाद में उसे बच्चे के बारे में लिखित समय यह टिप्पणी काम में आ सके। शिक्षक यह देखें कि जो विषय वस्तु बच्चे को सीखनी थी वे सीखें या नहीं, इसे दर्ज करते रहें ताकि कुछ समय बाद पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। बच्चों को सीखने सिखाने की गतिविधि में पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है।
एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो समय समय पर बच्चों को सिखाई कई अवधारणा पर अभ्यास कार्य देते रहे। बच्चों को अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर दिए जाएं। बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक के पास पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए बच्चों के द्वारा किए गए कामों को पोर्टफोलियो फाइल में संकलित किया जाना है। सतत और व्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों का मूल्यांकन नियमित व निरंतर किया जाना है तथा बच्चों के बारे में जानने के लिए जो भी संभव तार्किक एवं रचनात्मक तरीके हैं, यह तरीके कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अपनाने होंगे। विषयाधारित अवधारणाओं के साथ तार्किक सोच, समूह में व्यवहार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सौंदर्य बोध, न्याय व क्षमता के प्रति दृष्टिकोण आदि का भी मूल्यांकन किया जाना है। बच्चे के सीखने की प्रतिक्रिया के दौरान निरंतर प्राप्त हो रही सूचनाओं के आधार पर बच्चों के समूह उपसमूह में शिक्षण हेतु पाक्षिक योजना बनाते हुए कार्य करना आवश्यक है। मूल्यांकन के लिए विभिन्न तकनीकों जैसे मौखिक प्रोजेक्ट प्रस्तुति और विभिन्न उपकरण आदि का उपयोग शिक्षण योजना अनुसार किया जाना है। समय समय पर अभिभावकों को बालक की प्रगति से अवगत कराते रहना है तथा स्व मूल्यांकन व समूह कार्य के लिए बालकों को सही समझ बनाते हुए प्रेरित करना है। बच्चों को गणितीय समस्या समाधान व समस्या निर्माण के लिए विभिन्न परिस्थितियों में कई अवसर उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। हमें विद्यार्थियों का परिचय उन तमाम विधियों से करवाना है जिससे वे स्वयं के उत्तर निर्मित करने की सामर्थ्य विकसित कर सके तथा दूसरे बच्चों के उत्तर को देखकर उसका विश्लेषण करने की और समझाने का प्रयास भी कर सके। तो यह है आपके प्रश्न का उत्तर। आपका जो प्रश्न है असाइनमेंट नंबर 3 का पहला प्रश्न, इसका ये उत्तर है। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, ये जो उत्तर है ये आपको 750 शब्दों से ज़्यादा है तो आप इसे अपने लैंग्वेज में या इसे शॉर्ट करके इसमें से कुछ पॉइंट्स का यूज़ करके लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसके बाद आप सभी को कोर्स नंबर 505 के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। वीडियो में अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पहले टेक में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है और आप सभी को आंसर्स भी प्रोवाइड करने हैं। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देंगे और इसे शेयर करेंगे अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉन्ग लिव इंडिया।